हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंट फैशन। गाइस, आज मैं आपको सलवार में बेल्ट किस तरह से डालते हैं ये बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, ये इनर वाली बेल्ट है और इनर वाली ही सलवार है, तो ये मैंने बहुत ही फिनिशिंग से तैयार की है। अगर आपको इसकी ये गुम सिलाई सीखनी है, जैसे कि कैसे गुम की मैंने पूरी सलवार, तो इसको आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये हमने बेल्ट ली है इस तरह से। ये हमारा जैसे कि चिड़िया वाला हिस्सा है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये हमारा बैक हिस्सा है। पहले तो हमें इस बैक हिस्से के जो आउटनर है उस पर कट लगा लेना है, और यहाँ पर हमारा ज्वाइंट है ही, बाकी ना हो तो यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। ये हमें 3 इंच या 2.5 इंच का फेब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए, जैसे कि ये मेरा कितना 3 इंच का रह गया है शायद, तो 3 इंच या 2.5 इंच का फेब्रिक रखेंगे एक्स्ट्रा जो हमारा बैक हिस्सा है, और इतना हम फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। अब हम इसको मापेंगे जो छोटा हिस्सा है, जैसे कि 9.5 का है, तो हम किसी का भी सबका मेजरमेंट यही होगा। जैसे किसी की भी हमने सलवार तैयार करनी है, तो हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा छोटा वाला हिस्सा है इसको माप के देखेंगे कितना है, तो हमें चुन्नट इतने ही हिस्से में डालनी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसकी चुन्नट जो मैं डालूंगी वो 9.5 इंच में ही डालूंगी। जैसे कि उसके बाद जो हम बेल्ट पर निशान लगाएंगे चुन्नट डालने के लिए, तो ये हमने एक आसन पकड़ा है, कोई भी आसन हम ले सकते हैं, क्योंकि सिलने से पहले हमारे जो ये आसन होते हैं फ्रंट और बैक सेम होते हैं, तो उनमें से एक आसन मैंने उठा लिया, और जो हमारा बड़ा हिस्सा है बेल्ट का जो इनके बैक वाला, उस तक माप के इस पर एक कट लगा दूंगी इस तरह से। ये मैंने कट लगा दिया, एक कट हम 2.5 या 3 इंच का कपड़ा रखते हुए उस पर भी लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हमारा फैब्रिक जो बैक में आएगा वो हो गया, इसकी चुनर डल जाएंगी, और ये पीछे जो सिंपल आता है वो आएगा। तो यहाँ तक जितना भी हमारा फैब्रिक बच गया आगे का, उतने में हमें चुनर डालनी है। जैसे कि जो हमारा आगे का आसन आएगा कुछ इस तरह से, ये हमारा आगे का आसन है, उस चुनर जो हमने निशान लगाए हैं उस तक, तो इतने एरिए में हमने प्लेट्स डालनी है। तो मैं आपको डालकर दिखाती हूँ, वो प्लेट्स हमें यहाँ से जो मैंने कट लगाए थे, जैसे कि ये मैंने कट लगाए हैं अभी, एक मिनट समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ये कट लगाए हैं इस आसन से शुरू करके इस तरह से, एक कट हमारा इधर हो गया, ये हो गया जैसे कि चुन्नट वाला, और ये एक आसन के इधर हो गया। तो जो हम बेल्ट शुरू करेंगे चुन्नट डालना, वो हम इस कट को छोड़कर और जो हमारा दूसरा कट मैंने लगाया था उससे हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम फैब्रिक के हिसाब से सेट करते हैं कि हमें कितनी चुन्नट लेनी है, तो इसमें ज्यादा फैब्रिक है उस हिसाब से हम थोड़ी सी बॉडी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हमने प्लेट्स डाल देनी है, पूरी जो हमारा आसन आएगा वहां तक हमने पूरे में प्लेट्स डाल देनी है, और वो प्लेट्स हमारी 9.5 इंच का जो हमने मापा था आगे का हिस्सा, उतने में ही डालनी चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम जो हमारा बेल्ट से अलग जो हमारा कली और पल्ले का फैब्रिक था उस पर ही प्लेट्स लगाएंगे, इससे हमारी प्लेट्स बहुत ही फिनिशिंग से आती है। हमें ये गैप है जो सेम रखना है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, ये गैप जितना भी हम रखें ये हमें सेम रखना है। हम कपड़े को थोड़ा सा बड़ा और छोटा नीचे की तरफ कर सकते हैं, बट ऊपर की तरफ हमें सेम रखना है। इस तरह से हम ये चुनट ऐसे ही डालते चलेंगे पूरे में, हम इसी से हम इसमें प्लेट डाल सकते हैं। जैसे कि आगे ये हमारा जोड़ आ गया, जो भी हमारा ये ज्वाइंट आता है कहीं पे भी जब हम प्लेट्स डालते हैं, तो उसमें हम इस ज्वाइंट्स को अंदर की तरफ लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये अंदर की तरफ जाए, ऐसे बाहर की तरफ ना दिखे। अगर ये बाहर की तरफ दिखेगा तो ये पता लगेगा, तो हमें ध्यान रखना है ये अंदर की तरफ ही जाए। तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स पूरे में डाल देनी है। मैं आसन तक आपको ये प्लेट्स डालने के बाद दिखाती हूँ, जैसे कि ये प्लेट्स यहाँ तक मैं डालूंगी इतने फैब्रिक की, और ये सारी डालने के बाद 9.5 इंच पर ही गिरनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने एक साइड प्लेट डाली है और ये हमारी 9.5 इंच पर ही हुई है। जो हमारा ये आसन का जोड़ होता है इस तक हम मापेंगे, और जो हमारी ये प्लेट जहाँ से शुरू होती है वहां से मापेंगे, तो ये हमारी 9.5 पर ही तैयार हुई है प्रॉपर। अब इसके बाद हम जैसे कि यहाँ से सिलाई चालू रखेंगे, हमने सिलाई को नहीं उतारना, उसके बाद इसको भी सेम इसी तरीके से जितना डिस्टेंस हमने यहाँ रखा है दूसरी तरफ भी हम इतना ही रखेंगे, और इस तरह से चलाते हुए सिलाई पूरे पर लगा देंगे, और 9.5 इंच में ही ये हमें डालनी है। जितना फैब्रिक हमने
उन प्लीट्स में दबाया है, सेम उतना ही हम इसमें भी दबाएंगे। जब हम इस तरीके से सेम सेम प्लेट्स डालते हैं तो हमारी सलवार बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होती है, ना ही वो जैसे कि किसी किसी की सलवार घूमने लगती है, ना ही ये घूमेगी और एकदम से सीधी रहेगी और बहुत ही सुंदर दिखेगी। डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती है, एकदम से फिनिशिंग से लुक आता है। मैं आपको इसकी कंप्लीट होने के बाद भी वीडियो दिखाऊंगी। जैसे कि हमारी जब यहाँ तक प्लेट्स पड़ जाए और जो हमारा ये कट यहाँ तक है, तो कट तक इतनी दूर आ जाए जब हम, तो इसको जो हमारा ये ज्वाइंट है इसको पकड़ के बीच से और इस तरह से मापेंगे कि हमारी कितनी चुनट और गिर सकती है, तो हमारा फैब्रिक भी हमारे पास इतना ही है तो हमारी 2-3 चुनट और डालेंगे, तो हम इसकी 2-3 चुनट और डाल देंगे और फिर हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ तक डाल लिया, अब इसको एक बार ये जो हमारा ज्वाइंट है इसको पकड़ के इस तरह से फिर से माप देंगे कि हमारे एक सार आएंगे, तो ये मेरी दोनों एक सार गिरी है बिल्कुल, ये हमारा यहाँ से सेंटर हो गया तो ये मेरे बिल्कुल एक सार गिरी है और 9.5 इंच में ही गिरी है। आप भी ऐसे ही डालोगे तो एक बार दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी जो सलवार सिलोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत ही फिनिशिंग से गिरती है। अब मैं आपको इस पर बेल्ट पर लगाना बताती हूँ। जैसे कि यहाँ तक हमारी डल गई और उसके बाद हमने ये बेल्ट वाला हिस्सा लिया, जो हमारा ये चिड़िया वाला हिस्सा है इसको हम पकड़ेंगे, इसको भी हमने घूम कर रखा है पूरी तरह से, तो इसको हम पकड़ेंगे और ये आसन और इसका ज्वाइंट इसको इस तरह से मिला देंगे और बेल्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं नीचे की तरफ रखती हूँ, आपकी जो स्टेबल हो आप रख सकते हैं। तो बेल्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमारा बीच का ज्वाइंट था आपस में जो हमने मिलाया था उसके ऊपर से सिलाई लगाते चलेंगे इस तरह से, और हमें आगे तक यूं सिलाई लगा देनी है। हम इसको बिल्कुल एक सार करते हुए जो हम ये सिलाई लगाते हैं हम इसके नीचे से सिलाई लगाते चलेंगे, हमें सिलाई पहले ही कम लगानी है ताकि ये बाहर ना दिखे इस तरह से। हमने पक्की सिलाई लगानी है इसके ऊपर, यहाँ तक हम सीधा ही चलेंगे, यहाँ तक हम आ गए और उसके बाद जो हमारा ये आप इसका सेंटर था इस पर जो हमने निशान लगाए थे, इस आसन को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जैसे हमारा ये ज्वाइंट है, ये हमारा आप है और इसका जो हमारा ये फैब्रिक एक्स्ट्रा बच गया इसकी हम एक फ्लिश डाल देंगे पीछे के लिए, इस तरह से पकड़ते हुए हमने एक फ्लिश डाल देनी है इस तरह और इसके ऊपर पीछे सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक डाल दी, उसके बाद हम यहाँ से पकड़ के जैसे कि इसको देखेंगे एक बार और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है इसकी भी हमें प्लीट्स डाल दें कुछ इस तरह से। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमारी दूसरी प्लीट्स की जो सामना है वो कहाँ तक है और उसके बाद भी हमें सिलाई लगा दी। अगर बाई चांस जैसे कि मैं बता दूं मेरी तो नहीं रही और रहती भी कम ही है, तो जैसे कि हमारी यहाँ तक जब यहाँ तक हम आए और हमारा प्लीट्स का कपड़ा ना बचे, तो हमें जब यहाँ पर हम आ चुके हैं जैसे कि सिलाई लगाते लगाते प्लीट्स पर स्टार्टिंग में, तो यहाँ से हम एक बार मापेंगे कि हमारे एक प्लीट्स के लिए कपड़ा बचा है या नहीं। अगर बचा है तो ठीक है, अगर नहीं बचता तो हम यहाँ से एक प्लीट्स खोल देंगे और बाई चांस यहाँ पर ज्यादा ही फैब्रिक बच गया तो एक प्लीट्स और हम यहाँ पे डाल देंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बट जब आप ऐसे डालने लगोगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी तो आपकी प्रॉपर ही बैठेगी, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी और ये बहुत ही फिनिशिंग से दिखाई देती है। इस तरह से मैंने पूरे पर सिलाई लगा दी, ये मैंने पूरे पर सिलाई लगाना कम्प्लीट कर लिया। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, एक सेकंड कि ये हमारा सीधा हिस्सा हो गया इस तरह से। और जब हम इसको आप से देखेंगे मतलब सेंटर इसका जब देखेंगे सेंटर को सेंटर मिला के कुछ इस तरह से, तो हमारा ये हिस्सा जो हमने 2.5 इंच पर रखा था इतना ही यहाँ पर रहेगा और इतना ही यहाँ पर रहेगा, तो हमारी ये अंदर की तरफ ही प्लीट्स डाली जाएंगी और ये भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से दिखेंगी बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे, जब हम ये सिलाई लगाएं तो ये फैब्रिक हमें ऊपर की तरफ रखना है
और उसकी कन्नी कन्नी पर एक सिलाई लगा देंगे। ये मेरी सलवार बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ये इसका अंदर का हिस्सा है। मैं आपको इसका अंदर का हिस्सा भी दिखाऊंगी किस तरह से ये गुम हुई है। ये इसकी सलवार मोहरी है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से इसका मोहरी डिजाइन बना है। ये इसका बैक हिस्सा है। ये मैंने पूरी तरह से गुम कर दी है। इस तरह से इसमें कहीं भी आपको ओपन हिस्सा नहीं दिखेगा। ओनली बेल्ट और जो हमारा गिद्री वाला हिस्सा है ये ओपन रहेगा। अगर आप चाहें तो गिद्री वाला हिस्सा भी गुम कर सकते हैं इस तरह से। और ये इसका जो चुन्नट वाला हिस्सा है ये है। तो ये सलवार बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बनती है। इस पर कहीं भी इंटरलॉक नहीं करनी पड़ती। ओनली इसके जो चुन्नट डली है इसके ऊपर से और एकदम से बहुत ही अच्छा हलू करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।